महाराज जी, ये प्रभु जी का जो प्रश्न था उसी को थोड़ा विस्तार से करते हुए, एक थोड़ा प्रैक्टिकल प्रश्न था महाराज। जनरली क्या होता है कि थोड़ा, हाँ जी, यस महाराज। महाराज जनरली क्या होता है, जैसे संस्था में हम देखते हैं कि थ्योरेटिकल ज्ञान हो लेकिन भाव अच्छा ना हो, भाव फॉलोअर्स बनाने का हो, ऐसे भक्तों को कभी सेवा मिल जाती है तो उनके फॉलोअर्स फिर बहुत बड़ी संख्या में कभी कभी हो भी जाते हैं। मान लीजिए 500,000 लोग उनसे जुड़ गए। अब होता क्या है कि एक गुरु के लिए विडंबना आ जाती है कि अगर जो नीचे जो भक्त हैं अगर उनको कुछ समस्या होती है तो गुरु अगर ये बोले कि तुम अब उनको फॉलो मत करो तो ये व्यक्ति जो गलत भाव से कर रहा है ये डिविएट होगा तो फिर सबको ले करके जाएगा। तो अब इसको बचाने के लिए गुरु बोलते हैं कि उन्हीं में निष्ठा बनाते हैं। पब्लिकली लेक्चर्स में भी वही बोलेंगे, प्राइवेटली भी उनको ही बोलेंगे इन्हीं में निष्ठा बनाइए, इन्हीं में निष्ठा बनाइए। फिर इसमें क्या होता है कि लेकिन वो जो उनके अनुगत हैं उनको अपने स्तर से ऊपर तो कभी आगे लेके जा नहीं सकते और उनका वो दायरा भी बांध देते हैं कि मेरे अलावा तुमको किसी से सुनना नहीं है, ऐसे गुरुनिष्ठ होना है, एक ही को समर्पण होना है, इस प्रकार की बातें लाते हैं और गुरु भी उन्हीं को निष्ठ होने के लिए बोल रहे हैं। तो ऐसे में वो जो नीचे फॉलोअर्स हैं वो गुरु भक्ति कैसे करें? ये क्या होता है, ये गुरु मारा विद्या है, गुरु से ज्ञान लाते हैं और गुरु को मारते हैं, गुरु मारा विद्या ये होता है कि उनको सम्मान मिल जाता है ना, उस सोचते हैं गुरु के पास मैं जमेर फलर, जैसे आप बोल रहे हैं ना वो मैं बहुत सुन रहा हूँ अभी। इसका मतलब ये कौन होते पता है आपको? ये फलर द्रोणाचार्य का दो फलर थे, कौन है वो? एकलव्य है और अर्जुन है, ये सब एकलव्य होते हैं। गुरु का नाम लेते हैं, गुरु भक्ति दिखाते हैं लेकिन जब युद्ध महाभारत युद्ध होता है ना तब देखो उनका स्वरूप प्रकट हो गया, लेकिन इतना त्याग करते हैं गुरु के लिए अंगूठी भी दे दिए, लेकिन वैष्णव विरुद्ध होते हैं। एकलव्य का सबसे बड़ा फल था वो सोचता कि वैष्णव से बड़ा, वो गुरु से भी बड़ा होना चाहते हैं, इसलिए उसमें ये आइडिया है। पाचर टीचिंग्स पता नहीं होता है इसीलिए। अरे अमर एक इनका परफेक्ट आंसर कि मैं दे दूंगा, गुरुजी अमर गुरुजी ऐसे बोले, गुरुजी तुमको क्यों ये पद दिए हैं, यू आर नॉट क्वालिफाइड, नन ऑफ अस आर क्वालिफाइड, हम लोग ऐसे कोई योग्यता नहीं, योग्य नहीं है ना तो प्रचिंग करने के लिए, सेवा करने के लिए, हमको योग्यता गुरुजी दे रहे हैं और हमारा जिम्मेदारी है ये योग्यता को कैसे बचा कर रखना। लेकिन हम क्या सोचते हैं मैं योग्य हो गया हूँ, यही प्रॉब्लम है। नहीं गुरु जी दिए हैं ना, आज रविलोचन पर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा तो बोले मेरा बहुत दिन का डाउट है, मुझे डिवोटी क्वेश्चन करते हैं जी। मान लो कोई गुरु जी बोल रहे हैं कि तुम प्रचार करो और वो प्रचार करते हैं ऐसा फॉलो कर देते हैं, फिर गुरु का अगेंस्ट बन जाते हैं, बोलते हैं मुझे फॉलो करो, मुझे छोड़कर तुम नहीं जा सकते हो। तो बाद में अगर वो गुरु को छोड़ दिए या कुछ करे तो डिवोटी क्वेश्चन कर रहे क्या गुरु जी को पता नहीं था, उनको इंचार्ज बनाए थे तो गुरु जी को क्या पता नहीं था उनको क्यों इंचार्ज बनाए? अभी यही हालत हो गया चेला लोग का, जो भी दोष है सब गुरु का है, मैं तो साधु हूं, दोष किसका है? सब गुरु का है, मैं अच्छा हूं। देखो अभी भजन क्यों नहीं रहे, गुरु जी कृपा नहीं कर रहे, मेरा ऐसा क्यों हो गया है, मैं तो ट्राई किया हूं मुझे कृपा नहीं मिला है, मैं क्या करूं, मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अरे सब तुम साधु हो, दूसरी गुरु है नहीं, कोई हम क्वालिफाइड नहीं, हमको ये पोजीशन दिया जाता है और हमारा काम क्या है, ये पोजीशन को रखने के लिए सेवा में लगे रहे, प्रार्थना करे। मैं उनको यही बोला देखो गुरु का ये काम नहीं होता है कि गुरु एक एक डिवोटी का नेचर को मेडिटेट करेंगे, वो कैसा है, वो कृष्ण ध्यान करेंगे या तुमको ध्यान करेंगे, मेरा डिसिपल सो रहा है अभी इधर जा रहा है ऑफिस में नौकरी कर रहा है, ये गुरु का काम नहीं है। गुरु कृष्ण को भजन कृष्ण को प्रार्थना करते हैं, ठीक है मान लीजिए उनका सेकंड में आंसर दिए, ओ बोले हाँ महाराज जी ठीक है, क्या माधवेंद्रपुरी का पता नहीं था रामचंद्रपुर कौन है, उनको इनिशिएशन क्यों दिए, तो इसका आंसर क्या देंगे? बोलो जो बोल रहे हैं ना गुरु को पता नहीं था उनको इंचार्ज बनना है, क्या माधवेंद्रपुरी को पता नहीं था रामचंद्रपुर क्यों दिखा दिए? अरे जीव का स्वतंत्रता है ना, इसमें कृष्ण इंटरफेयर नहीं करते, गुरु इंटरफेयर नहीं करते, वो चाहेगा तो भजन करेगा चाहेगा तो छोड़ देगा, इसे गुरु का क्या दोष है?
क्या उदिताचार्य जी का लड़का भक्त नहीं है? ये उदिताचार्य जी का दोष है? ये सब आजकल सब दोष खुद भजन नहीं करते हैं, गुरु से बड़ा होने चाहते हैं, सब फैल देते हैं गुरु का ऊपर। गुरु ही दोषी है, हम लोग साधु हैं, कभी नहीं। जो शिक्षा का सिस्टम ही होता है, आज आप सुन लीजिए, मैं खोलम खोला बोलता हूँ। मुझे वृंदावन में एक प्रभु जी ने बोला था, मैं डायरेक्ट बोलता, आज गाड़ी गाड़ी चल रहा है, कितना दिन चलेगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बोलूँगा। गुरु गुरु होते हैं, गुरु का पोजीशन कोई भी शिक्षा गुरु हो काउंसिलर हो कभी नहीं ले सकते। गुरु गुरु होते हैं, और शिक्षा गुरु जो जो बत्म प्रदर्शक को गुरु बोलना चाहिए। शिक्षा गुरु तो दो प्रकार के होते हैं, एक बद्धजीवी शिक्षा गुरु होते हैं, एक मुक्तजीवी शिक्षा गुरु होते हैं। हम बत्म प्रदर्शक को गुरु बोलते हैं, ठीक है। आप जिनको शिक्षा गुरु मानते हो ना, तो उनका काम होना चाहिए जो दीक्षा गुरु है ना, उनको मत। ये डिवोटी कैसे कि मैं तो उनको उद्धार नहीं कर सकता हूँ ना, तो गुरु से कैसे फेत बढ़े। और ऐसे भी जो प्योर डिवोटी होते हैं ना, शिक्षा शिक्षा देते हैं, प्योर डिवोटी होते हैं, उनका भी काम यही है। नरहर चक्रधर लिखे हैं, उनसे जो शिक्षा करते हैं वो भेजते हैं, जाओ मेरा गुरु का सेवा करो। ऐसा नहीं बोलेंगे तो गुरु का पास मुझे मेरा कंट्रोल में रहो। ये सब आजकल ये पूरा गुरु होना चाहते हैं, वो सिस्टम हमारा थोड़ा टाइट है ना, इसलिए गुरु नहीं हो रहे हैं। नहीं तो मायावादी वगैरह संस्था होगा तो सब गुरु बन जाएंगे, दो पांच दिन में सब गुरु, थाउजेंड थाउजेंड गुरु निकल आएंगे। तो गुरु नहीं बनेंगे, सब गुरु बनेंगे। ठाकुर भक्ति सिद्धांत सोसाइटी ठाकुर बोल रहे हैं, गुरु नहीं है गोरु है। हाँ, वो ऐसे बन जाएंगे। अभी हमारा जीवी से कंट्रोल है, प्रिंसिपल है, तब तो रुक रहे, नहीं नहीं तो देखेंगे आप क्या। ये गुरु हमारा विद्या है, गुरु से सीखे हैं सब कुछ। अभी ग्रैटिट्यूड मेंटेलिटी नहीं है, कितना साहस हो जाता है, डरते नहीं। अरे जहां हम टिके हो ना, ऐसा आदत भी हो गया ना, अगर गुरु जी कुछ बोल देते हैं वो लीडर हो गया ना, बस ठीक है मैं प्रभुपाद को फॉलो करता हूँ। वो किसका फॉलोअर नहीं है, वो किसका फॉलोअर नहीं है, वो अहंकार का फॉलोअर है, फॉल्स ईगो फॉलो करता है। गुरु कुछ बोल देते, डांट देते हैं सबका सामने, ठीक है तुम इंचार्ज आज से नहीं हो, क्या आप अकेले गुरु है, दूसरा गुरु नहीं है, प्रभुपाद मेरा गुरु है, चलेंगे प्रभुपाद के पास। अब उधर हल्ला गुला करेंगे और फॉलोअर नहीं मिलेगा, तब देखेंगे इधर तो फॉलोअर इस्कन में सब चले जाते, मैं तो इस्कन से जुड़े नहीं, ठीक है भक्ति सिद्धांत सोसाइटी ठाकुर रहे, चलेंगे उधर। ये फॉलोअर बनना नहीं चाहते, फॉलोअर बनाना चाहते हैं, गुरु होने का अभिलाष है, इसीलिए वो ऐसे करते हैं। कोई जिसका अंतर शुद्ध है वो कभी ऐसा नहीं, गुरु कभी ऐसे नहीं बोलते हैं। मैंने देखा हूँ, एक वैष्णव था, उनका नाम मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो आए गुरु के पास, गुरुदेव ने उनको बुलाया, तुम आओ मेरे पास रहो, मेरा कोई नहीं है, मुझे मदद करो। कुछ दिन का बाद गुरुदेव का इच्छा था कि वो इधर रहेंगे तो मुझे मदद करेंगे, मेरे पास कोई नहीं है। फिर वो डिसाइड किया कि महाराज मैं उन महाराज से दिखा लेने वाले हूँ, मैं उधर जाऊँगा। गुरुदेव गले से माला ऐसे निकाले, उनका गले में दे दिए, तुम भजन करो, कृष्ण प्राप्ति करो। ये भरोसा था कि वो मुझे मदद करेगा, फिर भी गुरुदेव बोले तुम्हारा मंगल हो, जाओ, जो वैष्णव से कृष्ण तुम्हारा मंगल करेंगे, उनका चरण कर्म तुम चलो। अरे कैसे दुष्टता आता है कि हम लोग कहाँ बोलेंगे तुम गुरु के पास मत जाओ, मुझे फॉलो करो। ये अच्छा नहीं, ये भाव अच्छा नहीं, कभी नहीं। कोई प्योर डिवोटी कभी ऐसे नहीं बोलते, इनका शुद्ध भाव होता है वो कभी ऐसे नहीं बोलते। ये बहुत आजकल चालाक हो गया ना, सब पढ़ लिए सुन लिए, वो सब बुद्धि लगा लेते हैं, वो इधर ऐसा है ऐसा पॉइंट लगा लेते हैं, तो खुद का स्थिति क्या है खुद को पता नहीं होता है। क्योंकि लोग तो फॉलो करते हैं, बाहर दुनिया में बहुत परेशानी है, वो चले आते हैं तो, और गीता का नाम हम लेते हैं, भागवत का नाम ले जाते हैं, तो वो लोग बोलते हैं हाँ ठीक है। ऐसा नहीं, मनन करना है गुरु को। आज गुरु क्या पता नहीं हो रहा है, गुरु चले जाने के बाद आपको पता चलेगा गुरु जी आपको कैसे प्रोटेक्शन दे रहे थे, अभी नहीं चलेगा, वो दिन आता है। रुक जाओ, जो बोलते हैं ना उनको बोलो रुक के रहो, थोड़ा गुरु चले जाएंगे ना, तुमको पता चलेगा तुम कैसे भजन कर रहे थे, अभी माइंड का स्टेटस कैसा है। बाहर दुनिया में देखिए, जब आदमी है ना, लोग उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं था, उनका वैल्यू कोई नहीं समझता, वो चले जाने के बाद, क्योंकि इंडिया में सिस्टम है ना, मैं आज पेपर देख रहा था,
क्या नरसिंह राव, मरणांतर एक है प्राइज है, भारत रत्न है, मरणांतर जो जीतते हैं उनको देते हैं, जो चले जाते हैं उनको भी देते हैं। वो कैलकुलेट करते हो क्या कंट्रीब्यूट किया है। भारत में सिस्टम है, आज हम नहीं सोचते हैं। जब प्रभुपाद थे कितना समझ रहे थे, उनका वैल्यू कोई नहीं समझ रहा था। प्रभुपाद चले गए, आज दुनिया समझ रहे हैं। आज गुरु जी है हम इतना इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हैं, कल गुरु जी चले जाएंगे तब तुम सोचेंगे कितना मैं प्रोटेक्टेड था, आज क्या हमारा हालत हो रहा है। ये प्रैक्टिकल लाइफ है, तो माया कैसे अटैक करता है वो तब पता चलेगा। इसलिए कभी इस भावना मंत्र में नहीं रखना चाहिए, इतना देखना चाहिए। गुरु जब समर्पित है गुरु के चरण में, कृष्ण के चरण में, खुद का सुख के लिए कुछ नहीं करता है तो ब्लाइंड फॉलो करो, कृष्ण आपका भलाई करेंगे ही करेंगे। तो शरणागत आत्मा है ना, तो ऐसा बुद्धि खर्च करेंगे तो हम आपका दिमाग लगाएंगे तो कहाँ भी जाइए दिमाग लगेगा लगेगा। कोई प्योर डिवोटी का कृष्ण के पास जाएंगे फिर कृष्ण भी पढ़ाएंगे, तुम बैठे इधर प्रवचन सुनो। आजकल प्रीचर लोग का ऐसा बुद्धि हो गया है, जिसे ऐसे जो होते हैं ना वो कृष्ण का गोलक वृंदावन जाएंगे ना, वो बोलेंगे कृष्ण बैठो इधर भागवत सुनो मैं प्रीचिंग करूँगा आपको। वो लोग उनका टीचर मेंटालिटी इतना आ गया है, सबको टीचिंग कर देना उनका आदत हो गया। इसमें अच्छा नहीं, भाव अच्छा नहीं, इसमें भक्ति पोषण नहीं होता। ठीक है।